एवरीवन हाउ आर यू। तो आज की वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक पे ये बात करेंगे कि क्या कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अब गवर्नमेंट जॉब में भी दरवाजे खुल गए हैं। अब खुश हो जाओ यार, और बहुत सारी ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सब लोगों के लिए है कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए अब गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसा टाइम था कि सीएस ब्रांच के लिए कोई ऑप्शन नहीं था गवर्नमेंट जॉब में। दो चार वैकेंसियाँ गलती से भूले वाले एनटीपीसी बीएचईएल या कहीं पे आ जाती थी तो आ जाती थी, स्विच यार्ड में जॉब होती थी एनटीपीसी में कंप्यूटर साइंस के लिए। तो चीज़ें मॉडिफिकेशन हुई, पहले उतनी डिमांड नहीं थी कंप्यूटर साइंस की। ज़माना बदला, वक्त बदला, टाइम बदला, अब गवर्नमेंट को भी ज़रूरत है कंप्यूटर साइंस वालों की। वैसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में आप ले लीजिए, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं। हर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से लेकर के आप कह लो कि रेलवे के फोर्थ ग्रेड तक भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर की ज़रूरत होती है। हर चीज़ कंप्यूटर ऑपरेटेड हो रही है, हर चीज़ कंप्यूटर से ऑपरेट किए जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी यूज हो रहा, प्रोग्रामिंग यूज हो रही है। तो ऑब्वियसली कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स की डिमांड गवर्नमेंट सेक्टर में भी बढ़ रही है, चाहे वो बैंक पीओ की जॉब हो, चाहे वो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जॉब हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो। इंडियन आर्मी में, नेवी में और इंडियन एयरफोर्स में भी आप सोचो ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी आ गई है, अब ड्रोन से सारा काम हो रहा है, तो वहाँ पे भी प्रोग्रामर, अच्छे अच्छे प्रोग्रामरों की ज़रूरत है। हाई पेड सैलरी जॉब, नॉर्मल सैलरी से भी ज़्यादा हाई पेड सैलरी पे वहाँ लोग रखे जा रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस से जो कर रहे हो, चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे पॉलिटेक्निक कर रहे हो। अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते हो, तो आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है और इसका फ़ायदा उठाइए। देखो, वक्त और टाइम हर एक जैसा नहीं होता है, मैं ये बात आप मेरा माइंड सेट में रख लीजिएगा, क्योंकि अभी एक कंप्यूटर साइंस का जमाना है, कंप्यूटर साइंस का स्कोप है, आने वाले टाइम में और भी बढ़ेगा। तो जो लोग इस पे कमांड करोगे, जो लोग सही से करोगे ना, वो इतनी दूर तक जाओगे, आप खुद कंफ्यूज जाओगे कि कितनी दूर तक हमें जाना है, कितनी दूर तक चीजें हो पाएंगी, कितनी दूर तक के चीजें एनालाइज कर पाओगे। तो स्कोप है, ह्यूज स्कोप है कंप्यूटर साइंस का, और प्राइवेट इंडस्ट्री में तो है ही। देखो, प्राइवेट इंडस्ट्री में तो कंप्यूटर साइंस का ही है स्कोप, लेकिन गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी इतना ज्यादा स्कोप है जितना आप समझ नहीं सकते हो। रेलवे था, रेलवे में भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए, एआई टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा अब रेलवे में हो रहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो रहा है, चाहे वो मेट्रोज हो, मेट्रोज में तो ऑलरेडी एआई टेक्नोलॉजी पे ही चलती है, एआई टेक्नोलॉजी, सेंसर्स, आईओटी, ये सारी चीजें यूज हो रहे हैं रेलवे में भी। तो वहां पे भी प्रोग्रामर की बहुत 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 डिमांड है। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने काबिल हो, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, कितने अच्छे प्रोग्रामर हो, कितने अच्छे आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो, कितने अच्छे आप आईओटी प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हो, कितनी सारी चीज़ें कर सकते हो आप। अब सोचो, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना, उनमें तो कंप्यूटर साइंस की जॉब है ही है, लेकिन जितनी गवर्नमेंट सेक्टर की में जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर भी है ही है। कहीं भी ले लो, एक छोटा सा डिपार्टमेंट, वहाँ भी एक कंप्यूटर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। बिना कंप्यूटर के अब चीज़ें नहीं प्रोसीड हो पा रही हैं, हर चीज़ कंप्यूटर पे हो रही है, हर चीज़ें डिजिटल इंडिया को प्रमोट कर रही है। तो ऑब्वियसली स्कोप है, लेकिन आप उसको किस तरह से ले सकते हो, किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो। तो जो लोग सीएस और आईटी कर रहे हैं उनके लिए ह्यूज स्कोप है गवर्नमेंट सेक्टर में। अब बाकी ब्रांच वाले ये मत सोचना यार कि सर आपने बस सी एस आई टी बताया, बाकी ब्रांच का तो ऑलरेडी गवर्नमेंट में स्कोप है, बाकी ब्रांच बस कंप्यूटर साइंस और आईटी का नथिंग के बराबर स्कोप था, लेकिन वो नथिंग अब हट गया, अब बहुत सारी चीज़ें एड ऑन हो गई हैं। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, और जो लोग सी एस आई टी से कर रहे हैं, सही से करो, अच्छे तरीके से करो, अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग सीखो, अच्छी तरह से जिस लैंग्वेज पे जाना है, चाहे सी हो, सी प्लस प्लस, जावा, डॉट नेट, पी एच पी, जिस भी लैंग्वेज पे जाना है पूरी तरह से कमांड करो, जिस भी फील्ड में जाना, एप्लीकेशन डेवलपर, वेब डेवलपर, या जो भी आपको बनना, आईओटी प्लेटफॉर्म, फ्रंट एंड, बैक एंड, डेवऑप्स इंजीनियर, क्या जो भी आपको करियर में आगे लेकर के जाना है, वो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, और उससे आप अपने करियर को बहुत दूर तक लेके जा सकते हो। तो बस वीडियो में इतना ही, होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग टेलीग्राम पे हो, करियर अड्डा चैनल टेलीग्राम पे भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, कमेंट में पिन कर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे भी करियर अड्डा चैनल को जाके ज्वाइन करें, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी पता चल सके, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो को, वीडियो शेयर करो, ताकि सब तक ये न्यूज़ पहुँच सके और सब लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस पैदा हो सके। ये अवेयरनेस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ताकि सबको ये सारी चीजें पता चल सके। जो हम स्कूल में होते हैं तो शायद ये चीजें हमें नहीं पता, तो जब हम कॉलेज में आते हैं तो धीरे धीरे हमें चीजें पता होना शुरू होती है। तो ये एक अवेयरनेस है जिसका आप लोगों को फायदा उठाना चाहिए। तो बस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।